नमस्कार दोस्तों, बिंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 83 से 125 तक के क्वेश्चंस। इससे पहली दो वीडियोस में हमने डिस्कस करे हैं बाकी जो 83 तक के थे, 82 तक के। तो दोस्तों देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस, अब हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों हम कुछ करेक्शन करना चाहेंगे जो पहली वीडियो में बाई मिस्टेक और रॉन्ग अजम्पशन की तरह वजह से गलत हो गए हैं। तो बुकलेट सीरीज बी ही थी हमारी, और जो क्वेश्चन नंबर 14 था आप एक बार मैच कर लीजिए पेपर से, उसका आंसर डी है जो कि करेक्ट है, और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दी है, लेकिन आप अपना बुकलेट सीरीज देख के आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। 44 का आंसर डी होगा और 70 का आंसर बी एंड 74 का आंसर सी। तो आगे के क्वेश्चन थर्ड जो पार्ट है उसके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो सेंसस में दिया हुआ था, 2011 के सेंसस में पूछा था कि फीमेल रेशो जो है पर 1000 किस हिसाब से दिया हुआ है, मतलब स्टेट का रेशो पूछा था उसमें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का है। वैसे तो बाकी हैं जो अदर स्टेट्स हैं, लेकिन बीच में से कहीं से इन्होंने दिया था, कोई ऐसा पहले फोर या लास्ट फोर ऐसा कुछ नहीं पूछा था, बहुत रैंडम से उठाए थे इन्होंने। और उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू, उसका रीजन पूछा है। तो दोस्तों इसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन लिक्विड वाटर में जो ओरिएंटेशन होता है उसकी वजह से जो लिक्विड वाटर है उससे वो डेंसर हो जाता है आइस से। तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 85th क्वेश्चन है हमारा, हैवी वाटर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि हैवी जो हाइड्रोजन होता है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और उसका जो ऑक्साइड होगा मतलब हैवी वाटर होगा उसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वार्क के लिए इसमें पूछा गया था, जो ये क्वार्क का जो मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं तो उनको किसने नाम दिया था इनका। तो ये जो हमारे थे मुर्रे जेल मैन, इन्होंने इसको टर्म दी थी क्वार्क, जो भी मतलब टर्म का इन्वेंशन किया था इन्होंने, मुर्रे जेल मैन ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 87th क्वेश्चन था, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज व्हेन इट इमिट्स। तो दोस्तों अल्फा रेज में हमेशा जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज होते हैं, क्योंकि वो 2He4 मतलब हीलियम के बराबर का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 जो मास उसका कम होता है। तो इसका आंसर होगा बीटा और गामा के रेडिएशन से मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन होता है और गामा रेज होती है, इसमें कोई वो नहीं होता, चार्ज नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें सी आंसर हमारा हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 218 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें सिंपल है, आप एक बार करके देख लेंगे 3, 4, 5, 6 से, तो 3, 4 से तो आएगा नहीं, जो भी डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो 5 से आएगा। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए थ्री डिजिट नंबर 4x3 इज एडेड टू 984 टू गेट ए फोर डिजिट नंबर 13x7। तो इसमें आप अगर करके देखेंगे तो यहाँ पे आंसर, जब आप एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 9 रखेंगे तो ये हमारी पूरी कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो जिनका सम होगा 10 एक्स प्लस वाई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक बार करके देख लेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। इफ ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर डांसर, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ऑल बॉयज आर डांसर, अगर इसका आप बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, सॉरी इससे बन नहीं पा रहा सही से, तो ये स्टूडेंट्स हो गए एस, और इससे बड़ा जो एक सर्किल बनेगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑल बॉयज, तो ये आपका बड़ा सर्किल बॉयज का हो गया, और इससे एक और बड़ा जो बनेगा डांसर्स का, तो ये आपका तीसरा सर्किल हो जाएगा डांसर्स का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑल स्टूडेंट्स आर डांसर, मतलब डांसर के बड़े सर्किल में स्टूडेंट्स आ रहा है छोटा वाला ही। तो ये लास्ट वाला हमारा सिलोजिज्म का करेक्ट हो जाएगा। अगर सिलोजिज्म आपको वेन डायग्राम से पता ही होगा तो मतलब ये आंसर ईजी था ये क्वेश्चन, तो हो जाएगा डी आंसर। 91st क्वेश्चन है, मार्च 2017 में जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना और इसकी ट्रिब्यूटरीज को ह्यूमन लिविंग एंटिटीज का स्टेटस दिया था। तो ये हमारा सीधा आंसर उत्तराखंड ने दिया था, तो गंगा और यमुना का हो जाएगा। और 92 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंड टेन्योर सिस्टम इज नॉट करेक्ट। तो इसमें हमारा है अंडर, बाकी सब ठीक है क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो था ये तीनों चीज हुई थी, मालवारी और जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी। तो इसमें जो तीनों का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि क्या क्या होता था इसमें, तो जो महलवारी में था वो सिस्टम का इसमें जो दिया है वो गलत दिया है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बिलोंग करती थी गवर्नमेंट को, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है।
यहाँ देख लेंगे। महलवारी में क्या होता था कि विलेज को जॉइंटली, विलेज को लैंड दिया जाता था या तो जॉइंटली पर्सन उसको हैंडल करते थे। तो इसको, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 93 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। तो इसमें दोस्तों सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, फोटोफोटिक कंडीशन भी होनी चाहिए क्योंकि उसको, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है, और क्लीन एंड सेडिमेंट वाटर भी, मतलब क्लीन वाटर होना चाहिए, सेलिनिटी भी होनी चाहिए क्योंकि जो रीफ होती हैं, जहाँ एस्चुरीज होती है, जहाँ रिवर जो क्लीन वाटर डिस्चार्ज करती है, वहाँ पर रीफ नहीं होते हैं, तो सेलिनिटी थोड़ी चाहिए होती है उनके लिए। और फोर्थ पे हमारा ट्रॉपिकल सी वाटर जो है, उसका टेम्परेचर 20-21 होना चाहिए। तो इसकी चारों कंडीशन सही हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4। कैडमियम पोल्यूशन जी, ये हमने डिस्कस किया था अपनी स्लाइड में भी, तो इसमें मतलब जो भी 3-4 एलिमेंट्स थे उनकी कमी या उनकी वजह से क्या क्या डिजीज होती है वो हमने डिस्कस किया था। तो इसमें कैडमियम का हमारा ईटा आ जाएगा, बी आंसर। 95th क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, ये जो है अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और सी रेडिएशन कुछ एक और होता है उसको भी एब्जॉर्ब करती है। तो ए जो रेडिएशन होता है वो हमारा अर्थ तक पहुंचता है, तो इसलिए इसमें आंसर बी हो जाएगा। 96 में आपका एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर, ये इसमें ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा होती है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 97 में जो स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पीसीज एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, जो सिंगल स्पीसीज की स्टडी होती है उसको हम ऑर्टेकोलॉजी बोलते हैं। तो ये अगर आप टर्म खोजेंगे ऑर्टेकोलॉजी तो आपको मिल जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 98 इन द एग्जामिनेशन, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, 25% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 12% इन इंग्लिश, इफ 10% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स एंड 292 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें हम पहले निकालेंगे कि जो टोटल पास कैंडिडेट्स कितने हैं, तो इसमें सबसेट का एक फॉर्मूला लगाना था, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू 25 रखेंगे यहाँ पे, 25 प्लस 12 माइनस 10, तो 27% जो है वो फेल कैंडिडेट्स आ गए। तो सो पास कैंडिडेट हमारे 73 आएंगे। तो जो 73 किस नंबर का है, जो 292 है, तो उससे हमारे टोटल नंबर निकालेंगे सिंपल परसेंट का फॉर्मूला लगा के, तो इसका आंसर हमारा आएगा 400, बी आंसर हो जाएगा। 99 का क्वेश्चन है, 5% ऑफ इनकम ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम बी एंड 10% ऑफ इनकम बी इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम सी। इफ द इनकम ऑफ सी इज दिस, देन व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, सी की इनकम दी हुई है, इसमें पिछली तरफ से मतलब उल्टी तरफ से चलेंगे, तो सी का 20% करेंगे और बी का 10% निकालेंगे, तो उससे बी की इनकम आएगी, फिर बी का 15% करेंगे और ए का एक्स मान के उसका 5% निकालेंगे, तो उससे एक इनकम आएगी। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा 18,000 आएगा। तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लें, 18,000 आएगा, राइट आंसर 18 होगा। 100 क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन देयर सम इज। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आप ए एम मतलब एपी जो एपीजीपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अगर आप ये लगाते हैं तो इससे हमारा आंसर आ जाता है आराम से। सम ऑफ एन नंबर्स डिवाइड बाई एन मीन, मतलब ये फॉर्मूला इनइक्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और ग्रेटर देन होता है ये ए एम हमेशा ग्रेटर देन होता है जी एम से, तो हम एन नंबर का ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी जो दिया हुआ है उसने मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो है वो यूनिटी है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर n को जब इधर ले जाएंगे तो हमारा आएगा जो सम ऑफ n नंबर्स है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n, सो नेवर लेस देन n होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो ये सारी जो बाकी रिवर है वो इंडस वाटर ट्रीटी में आती हैं, चिनाब, रावी और बीस। जो तिस्ता रिवर है वो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं आती है, क्योंकि ये आपका बंगाल की तरफ से निकलती है और इंडस रिवर जो है हमारा वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर अवार्डेड विद द स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया था जो कि नोबेल प्राइज के विनर्स का नाम लिखा हुआ था इसमें, तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने गलती कर दी हो कि इसमें नोबेल प्राइज का याद हो उन्हें और स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज का नहीं पता हो, लेकिन इसका आंसर जो है सी है। तो ये सिंपल, मतलब अगर पता होता तो ये लगा सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबल प्राइज 2017 में किनको मिला था मैथमेटिशियन में, तो ये हैं आपके येव्स मेयर,
ये भी मतलब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द सीमलेस वेब। इसमें आपका ग्रेनविले ऑस्टिन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आर्टिकल 15 को पूछा गया है। इसमें आर्टिकल 15 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होता। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा जो आर्टिकल 16 होता है वो भी इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, लेकिन इसमें सही लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स ही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा जो आर्टिकल 21 होता है वो सिटीजन्स के लिए भी होता है और फॉरेनर्स के लिए भी होता है, जो इंडिया में मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये भी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 106 जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इनइक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर एज इंस्ट्राइंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया। तो इसका अगर हम देखेंगे तो वो है जो इंडियन टेरिटरी में जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। तो इसमें हमारा 1 और 3 सही होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सो 107 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ  1835 इज नॉट करेक्ट। इट वॉज प्रपोज बाई जनरल विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मकॉले। तो ये हमारा सही है ऑप्शन, तो मतलब ये करेक्ट है, तो इसका ये छोड़ देंगे। इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये भी ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश, मतलब इसमें ये था जो फाइनल वाला हम जो रॉन्ग है स्टेटमेंट, टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस फ्रेश अवार्ड्स ऑफ द स्टाइपेंड्स टू स्टूडेंट्स एंड द पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट वर टू कंटिन्यू। इसमें ये कंटिन्यू नहीं किया गया था, उसको जो स्टाइपेंड मिलने वाला था जो लर्निंग एजुकेशन के लिए था उसको रोक दिया गया था, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 108 क्वेश्चन है इसमें, जो विजयनगर किंगडम की जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में पूछा गया था। तो इनका सीक्वेंस भी अगर देखेंगे आप, इसी सीक्वेंस में थे ये, सबसे पहले संगमाज थे, फिर सलुवाज थे, फिर तुलुवाज और उसके बाद अराबिदूज। उससे पहले एक्चुअली होयसालास थे लेकिन इसमें पोलिगर्स नहीं थे, तो इसलिए सी आंसर नहीं होगा और ए आंसर होगा इसका सही। 109 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन सही है और इस फर्स्ट में और सेकेंड में थोड़ा डाउट है, तो हम ज़्यादातर जो हमें खोजने पे मिला है वो सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनसे, तो हम इसका आंसर बी लगा रहे हैं। 110 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इस्टरीन कायरे इज आर करेक्ट। सो ये जो एक लेडी हैं, नॉवलिस्ट हैं, पोएट भी हैं और चाइल्ड्स बुक भी लिखती हैं, तो पहला आंसर इनका सही है, ये नागालैंड में भी बॉर्न हुई थी। और दूसरा जो है, शी इज द रिसिपिएंट ऑफ हिंदू प्राइज, तो इनको हिंदू प्राइज नहीं मिला था। एक्चुअली इनकी जो बुक थी एक नॉवल वो थी कुछ दूसरी, वॉर्मवुड करके ऐसे थी, तो 2013 में उसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था और इसके लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ था, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है, वैन द रिवर्स लिप्स वाज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द नागाज स्पिरिट यूनिवर्स, ये सही है क्योंकि इसमें सारा एक्सप्लोरेशन किया गया है, मतलब वो सब बातें हैं, तो इसका आंसर 1 और 3 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज नॉट करेक्ट। तो देखिएगा इसमें 190 से ज़्यादा कंट्रीज ने कर दिया है मार्च 2017 तक, और एग्रीमेंट इफेक्ट में भी आ गया था 4 नवंबर 2016। ये आपको विकीपीडिया पे अगर पढ़ेंगे या तो उसकी वेबसाइट पे भी पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। और इंटेंडेड मतलब इसमें यह है कि यूएसए ने अभी 2017 में जो है पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है और चाइना ने तो खैर कर लिया है, तो इसलिए ये आंसर हमारा गलत मतलब स्टेटमेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि यूएस की वजह से ये गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट, अक्षय कुमार को जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था वो आपको पता ही होगा सबको, रुस्तम के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो इसमें ये बाकी जो स्टेटमेंट है ये सारे गलत है क्योंकि जो माइनॉरिटी स्टेटस लूज नहीं होता उसका अगर गवर्नमेंट से ऐड होता है, क्योंकि वो तीन तरह की होती है कि एक स्टेटस रहता है और गवर्नमेंट ऐड होता है, एक में स्टेटस नहीं, रिकग्निशन जरूरत नहीं होती और ऐड होता है, और एक में दोनों की जरूरत नहीं होती, ऐड भी और रिकग्निशन भी। तो ये गलत है स्टेटमेंट यहाँ पे, तो मतलब इसमें आंसर हमारा यही है,
पहला, अगर आर्टिकल 30 देखेंगे आप तो उसमें पहली लाइन यही लिखी हुई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वन, लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 7.16 पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, रूल ऑफ लैप्स, तो इसमें पार्ट ऑफ ग्रांट दैट कैन बी कैरीड ओवर टू नेक्स्ट ईयर, तो रूल ऑफ लैप्स की बात कर रहे हैं तो मतलब कैरीड ओवर तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सप्लीमेंट्री एंड एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं होता। और वोट ऑन अकाउंट एडिशनल फंड्स ग्रांटेड इन कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये भी नहीं होता, वो होता ये जो इसमें इन दोनों को उल्टा लिखा गया, तो ये तीनों में से कोई भी मतलब सही से मैच नहीं हो रहा, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2016, तो इसमें हमारे के विश्वनाथ हैं, उससे पहले जो 15 और 14 में और 13 में जो मिला था मनोज कुमार, शशि कपूर एंड गुलजार साहब को मिला था, तो अभी आंसर हमारा 16 के लिए के विश्वनाथ ए आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, तो इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजिशन क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें, ऑथर दिए और बुक दिए हैं, तो हरमन कुलके की जो बुक है वो आपकी ये है द स्टेट ऑफ इंडिया 1700 to 1700, और दूसरे जो ब्रज दुलाल जो है चट्टोपाध्याय, इनकी आपकी बुक है मेकिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडिया, ये आपके दूसरे वाले की फोर्थ है, और पीटर जैक्सन की आपकी है ये पहली वाली दिल्ली सल्तनत, और आपके सुनील कुमार बच्चे तो इनकी है इमरजेंसी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये मतलब आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी लिस्ट मैच करनी है, इसमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं और आगे ऑफिस हेड दिए हुए हैं, तो समाहर्त्री जो होता है वो अपना होता है जो चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू होते हैं, और समनी धात्री जो होते हैं वो हमारे होते हैं ट्रेजरर्स, और संस्थाध्यक्ष जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट्स, एंड जो अंतरवंशिका जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे चीफ ऑफ द प्लेस गार्ड्स, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबली कैप्चर्स द मीनिंग एंड सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्चुअली इसमें जो है सारी टर्म मैंने जो रमेश सिंह है इकोनॉमी की उसमें ग्लोबलाइजेशन में देखा, तो दो तीन इनमें मैच कर रही थी, तो उसी हिसाब से हमने एलिमिनेशन मेथड पे जाके कोई रॉन्ग आंसर हमें मिल नहीं रहा था, इसलिए हम डी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वास्ट जो इसकी डेफिनेशन होती है ग्लोबलाइजेशन की वो काफ़ी वास्ट है, और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं उसको, तो हम डी आंसर लगा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 विनर ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, तो इसमें 2017 के गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज ये हमने अपनी पीपीटी में डिस्कस किया था गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज में, तो इसका आंसर है हमारा प्रफुल्ल समंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक इज वेल नोन एज, ये आपके अगर आपको याद हो तो ये हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेज ए बजट हैज टू गो थ्रू इन पार्लियामेंट, तो इसमें क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, फिर स्क्रूटनी होती है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल होता है, और उसके बाद पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ए 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अपॉइंटेड द राजमन्नार कमेटी टू स्टडी सेंटर स्टेट रिलेशन, तो इसका आंसर आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा लक्ष्मीकांत में, तो इसका आंसर डी है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैंडेट ऑफ द धर कमीशन, धर कमीशन का था कि स्टेट को ऑर्गेनाइज करना था, रीऑर्गेनाइज मतलब और लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना था, तो इसका आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देखिएगा ये खाली सा होता है तो ये सही मैच है, विलेजेस हुज इनकम वेंट डायरेक्टली टू द स्टेट ट्रेजरी, और इनाम भी सही मैच्ड है और जागीर भी सही मैच्ड है, टेरिटोरियल असाइनमेंट होता है इसमें, मनसाबदार उनकी सैलरी मिलती है इससे, लेकिन जो मौजा दिया हुआ है ये रेबेलियस टेरिटरी इसमें लिखा हुआ है, मतलब विद्रोही जो क्षेत्र होता है वो, जबकि मौजा जो होता है आपका एक तरह से डिस्ट्रिक्ट या एक एरिया होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई एरिया होता है, अगर आपने पढ़ा होगा जो पुराने ताऊ चाचा होते हैं वो बात करते हैं कि हमारी जमीन तो उस मौजे में भी आ रही है, तो इस तरह से वो होता है, तो रेबेलियस टेरिटरी नहीं होती है, तो इसका ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही,
और वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, 3-4-5 क्वेश्चन, तो वी आर सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।